हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मिथुन। आप सभी को आपके चैनल इजी गार्डनिंग प्लान में स्वागत है। फ्रेंड देखिए, मेरा जार वेरा प्लांट है। इसमें देखिए कितना अच्छा फ्लावर हुआ है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। वैसे एक देसी जार वेरा प्लांट है, इसका हाइब्रिड भी मिलता है, लेकिन ये मेरा देसी है। और इसका फ्लावरिंग देखिए, इसका कलर देखिए, कलर कितना अच्छा हुआ है, एकदम ऑरेंज के साथ, हल्का ऑरेंज के साथ हल्का येलो का मिक्सचर है इसमें। वैसे इसका तो बहुत सारे वैरायटीज होता है, रेड, पिंक, येलो, बहुत सारे होता है, लेकिन ये मेरा देखिए, ये इसका इनका कलर। तो फ्रेंड, मैं आज आपको शेयर करूँगा कैसे इसका केयर करना है। तो पहले आते हैं इसका मिट्टी मिट्टी पे। इसका मिट्टी जो है उस वो एक वेल ड्रेन वाटर होना चाहिए, जैसे इसका मिट्टी मॉइस्ट रहे, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इसमें बहुत ही जल्दी फंगस अटैक होता है। इसीलिए तो अभी अब जब भी लगाइए इसको, जो इसका जो मिट्टी रेडी करोगे तो वो एक वेल ड्रेनेज मिट्टी होना चाहिए। और ये इसका देखिए, मैंने इसके ऊपर कुछ खाद डाला है, जैसे कि वो सरसों का खोल, मास्टर केक और चाय का पत्ती। चाय का पत्ती, इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप शुगर से चाय बनाते हो तो उसके चाय बनाने के बाद जो पत्ता होता है उसे डायरेक्ट मत दीजिए, क्योंकि उसमें शुगर होता है तो फंगल अटैक होने के चांस रहता है, और पेड़ के लिए भी अच्छा नहीं है, पौधे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या करना है, जो चाय के पत्ते को छान के उसके बाद उसे वाटर से अच्छी तरह से धोकर फिर उसको धूप में सुखा के फिर डालिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे मैं करता हूँ। और ये जो प्लांट है, इसे इसमें फ्लावरिंग का टाइम मेन जो है वो नवंबर से फरवरी तक, ये टाइम में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, लेकिन ये जो फ्लावर ये हर साल ही इसमें फ्लावरिंग होता है, बट कम होता है। वो नवंबर से फरवरी तक इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, तो उस समय इसका केयर बहुत ही अच्छी तरह से करना होता है। लेकिन इसमें हमेशा ही हर साल, मैंने पूरा साल ही इसमें फ्लावरिंग होता है। और इसका जो ये जो प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप में भी रखो तो भी होता है, और कोई छायादार जगह हो, शेडी एरिया हो, उसमें भी ये खिल उग जाता है। लेकिन इसका जो धूप जो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस में ये ज़्यादा अच्छा खिलता है, मैंने इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, और ये कम, इसके इससे कम तापमात्रा में भी ये रह जाता है। अब जो अगर तो ये, और जब क्या होता है गर्मी के समय में कभी कभी 25 से भी ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब क्या करना है, जो इसके जो मिट्टी है इसके ऊपर कोई छोटा छोटा घास का टुकड़ा हो, चाहे कोई हल्का सा जैसे कोई घास हो, चाहे जैसे कुछ भी चीज़ हो, उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा दे देने से इसका ऊपर का टेम्परेचर जो है वो एक बहुत फ़ायदा होता है। तो और इसका जो देखिए, मैंने खाद डाला है इसमें जो खाद है वो मैंने डाला है वो मास्टर केक और है चाय के पत्ती। और चाय के पत्ती के बारे में, और ये तो ये हुआ जारबेरा, इसको तैयार करना बहुत ही अचार। इसमें एक चीज़ होता है, वो क्या है, इसमें बहुत ही फंगल अटैक करता है, लेकिन और अगर प्रॉपर से इसको केयर करें तो वो भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड देखिए आप भी, और ये था आज का, मैंने जो करता हूँ उसके साथ वही आपको शेयर किया है।
तो फिर कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फटाफट आपके पास पहुंच जाए। यार हाँ, वो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना फ्रेंड। सो फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।